अच्छा, आप सब बच्चे स्कूल के साथ साथ मदरसे भी जाते होंगे, और आप में से बहुत से बच्चे आजकल जो है वो नूरानी कायदा पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नूरानी कायदा। अच्छा, आपने नर्सरी में भी अलिफ बा पा सा सा पढ़ी, इसी तरह जो नूरानी कायदा है आपका, जो आप नर्सरी में कारी साहब के साथ पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी है अलिफ बा। अच्छा, लेकिन ये तो उनके नाम हैं, ठीक है, अब इनकी आवाजें हैं, एक मतलब जैसे एक आपने पढ़ा है बा, ठीक है, अब इसको हमने इसकी आवाज है बा, लेकिन इनके ऊपर हरूफे इल्लत लगाते हैं। हरूफे इल्लत जो है वो हमारे पास तीन हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। अच्छा, ये जो हरूफे इल्लत हैं, ये तीन हरूफ की अलिफ बा पा सा की आवाजों को बदल देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हरूफे इल्लत है वो है ज़बर। ज़बर किसी भी लफ्ज़ के हरफ के ऊपर लगाया जाता है, ये एक अलामत है हरूफे इल्लत। ज़बर ये किसी भी हरफ के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा हरूफे इल्लत है ज़ेर, ये किसी भी हरफ के नीचे लगाया जाता है, ठीक है, एक छोटी सी लाइन होती है, ठीक है, एक छोटी सी लाइन लकीर होती है, ये लगानी होती है हरफ के ऊपर या नीचे। इसी तरह तीसरा हरूफे इल्लत है पेश, ठीक है, किसी भी हरफ के ऊपर लगाया जाता है। आज मैं आपको इन तीन हरूफे इल्लत ज़बर, ज़ेर, पेश को उनकी पहचान करवाऊंगा, आपको इनको कैसे हरूफ के ऊपर या नीचे लगा के हमने उनकी आवाजों को बदलना है, उनको पढ़ना कैसे है, जब किसी लफ्ज के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश लगे होंगे उनको पढ़ना कैसे है, और तीसरे नंबर में आपको इनकी शक्लें बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अलिफ है, अलिफ के जब ऊपर, अच्छा जो ज़बर है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ज़बर है जब भी किसी, इसकी जो आवाज है वो है आ, जो ज़ेर है इसकी आवाज है ई, और जो पेश है इसकी आवाज है ऊ। अच्छा, इसको अलिफ के ऊपर जब हमने लगाया अलिफ ज़बर आ, क्या बन गया, अलिफ ज़बर आ। इसी तरह अलिफ के जब नीचे लाइन लगाई, ये छोटी सी लाइन जिसे हम ज़ेर कहते हैं, ये बनी अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई। इसी तरह अलिफ के जब ऊपर हमने पेश लगाई, ये बन गया अलिफ पेश ऊ, गा ज। अब इसके शुरू में जब इसको लिखते हैं गा ज, गा अलिफ गा, अब जो गा है इसके ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर ज़बर है, ज गा ज, ठीक है। अच्छा, हम लिखते नहीं है, आपकी किताब के ऊपर लिखा नहीं होता ये ज़बर, ज़ेर, पेश जब आप पढ़ते हैं, लेकिन ये मौजूद होते हैं जो उसकी आवाज को बदल रहे होते हैं, ठीक है। जब हम इसको लगा देते हैं तो हमें सही से इसके पढ़ने का पता चलता है, इसको घी नहीं पढ़ना, गा पढ़ना है, ठीक है। जब हम ज़बर लगाते हैं इसी तरह जी नहीं पढ़ना, जा पढ़ना है, जा ज़बर, जा रे जर। अच्छा, ये क्या चीज नजर आ रही है, कोई एक बता दे, क्या नजर आ रही है, निब। अब नून बे, नून बे, अब निब, अब हम इसकी ज़ेर नीचे, ये जो नून है इसकी ज़ेर लगाएंगे या ऊपर ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे, बड़ी बार बनी ना ई वाली बार, नून की बार ई वाली आ रही है, तो ये निब नीचे ज़ेर लगेगी। इसी तरह ये क्या चीज नजर आ रही है, फूल। अच्छा, पे दो तीन वाओ, लाम। अब फूल, अब ये जो फू है था, इसके ऊपर हम पेश लगाएंगे फूल, क्योंकि पेश से मैंने आपको आवाज बताई थी ऊ की आवाज आती है, पेश जब भी किसी लफ्ज हरफ के ऊपर लगता है उसकी ऊ की आवाज बना देता है, तो पे की आवाज फू बन जाएगी, फूल, ठीक है जी। उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम ऐसा करेंगे, वो लफ्ज लफ्ज जो है जितनी आवाजें निकालेगा हम उतनी बार क्लैप करेंगे, जितनी आवाजें वो लफ्ज निकालेगा हम उतनी बार क्या करेंगे, क्लैप करेंगे। तो मैं भी पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ जो है बच्चे को जो है मैं खड़ा करूंगा और वो बच्चा भी जाए पढ़ेगा, और आप सामने मिलकर पढ़ेंगे, और जितनी आवाज निकालेंगे उतनी बार जो है
एक लफ्ज़ जो है जो आपके सामने होगा हम उसको अदा करेंगे, उसको पढ़ेंगे और जितनी आवाजें निकलेंगी उतनी बार हम जो है वो क्लैप करेंगे। ठीक है जी जी, जी ब्रदर। हाँ भाई ये आपके सामने कौन सा है? ताज़बर नाम तल में लिखना तलना। सारे पढ़े क्या है ये? तलना। क्या? तलना। तल ना। तो कोई बंदा जो है बता सकता है कि इसमें कितनी आवाजें हैं? चार। आवाजें कितनी दे रहा है ये? दो। ये लोग जो है कितनी आवाजें कर रहा है? मैम ये ना जो है वो अरकान वो अलग है, लोग जो कर हमें वहां से गाइड किया है तो उसमें जो है उन्होंने कहा आवाजें कितनी दे रहे हैं? तो कितनी आवाजें इसमें? दो। तो हम साथ जो है वो इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे और जितने जो है इतने में आवाजें उतनी बार क्लैप करेंगे।